राष्ट्रपति जी, मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और डॉक्टर चीफ बाइडेन का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जिस प्रकार से आपने गर्मजोशी से मेरा और हमारे डेलीगेशन का स्वागत किया और विशेष रूप से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, आज आपने व्हाइट हाउस के द्वार भारतीय समुदाय के लिए खोल दिए और हजारों की तादाद में भारतीय समुदाय अमेरिका भारत की भावी रणनीति के साक्षी बनने के लिए आज हमारे बीच मौजूद थे। Your Excellency President Biden, I once again express my heartfelt gratitude to you and to Dr. Jill Biden for the hospitality and the respect that you have shown to me and my delegation, and more importantly, because you opened the doors of the White House today for the Indian American people, and they were there in thousands to witness the future of our strategic partnership. एक्सलेंट, आप हमेशा भारत के एक बहुत अच्छे शुभचिंतक रहे और जब भी आपको जहां भी अवसर मिला है आपने हमेशा भारत और अमेरिका के संबंधों के महत्व को बहुत बड़ा बल दिया है, बहुत बड़ी ताकत दी है। और मुझे याद है कि 8 साल पहले यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल को संबोधित करते हुए आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी और आपने कहा था, आवर गोल इज टू बिकम इंडिया बेस्ट बैंक। ये आपके शब्द आज भी गूंज रहे हैं। भारत के प्रति आपकी यही व्यक्तिगत प्रतिबद्धता हमें अनेक बोल्ड और महत्वाकांक्षी कदम उठाने के लिए प्रेरित कर रही है। आज भारत अमेरिका स्पेस की ऊंचाइयों से समुद्र की गहराइयों तक एंशियंट कल्चर से लेकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। Your Excellency, you've always been India's friend and well-wisher for a very long time, and whenever you have got an opportunity, you've always given force and strength to our bilateral relations. Excellency, 8 years ago, while addressing the US-India Business Council, you had said, our goal is to become India's best friend. And it is this personal commitment of yours towards India that is inspiring us to take many bold and ambitious initiatives. Today, India and the US are walking shoulder to shoulder in every field, from the depths of the oceans to the heights of the skies, from ancient culture to artificial intelligence. Diplomatic drishti se, जब किन्हीं दो देशों के बीच संबंधों की बात की जाती है तो अक्सर औपचारिक ज्वाइंट स्टेटमेंट, वर्किंग ग्रुप्स और एमओयू उसी के दायरे में आमतौर पर बातचीत होती है। इसका अपना महत्व है ही, लेकिन भारत और अमेरिका के रिश्तों का असली इंजन हमारे मजबूत पीपल टू पीपल संबंध है और इस इंजन की एक जोर भरी दहाड़ हमने अभी बाहर व्हाइट हाउस के लोन पर भी सुनी है। एक्सलेंसी, व्हेनेवर देयर इज टॉक ऑफ रिलेशंस बिटवीन एनी टू कंट्रीज फ्रॉम अ डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, पीपल ऑफन टॉक अबाउट सम फॉर्मल जॉइंट स्टेटमेंट्स, वर्किंग ग्रुप्स, एमओयूज। ऑल दीज डेफिनेटली हैव देयर ओन इम्पोर्टेंस, बट द रियल इंजन ऑफ द इंडियन यूएस रिलेशनशिप इज आवर स्ट्रॉन्ग पीपल टू पीपल टाइज, and we just heard a spirited roar of that engine out on the White House lawns. Excellency, jaisa aapne kaha, main use phir se dohrana chahunga, aaj ki tezi se badal rahi vaishvik sthiti mein sabhi ki nazar vishwa ke sabse do bade loktantrik deshon par hai, Bharat aur America par hai. Mera manna hai कि हमारी स्ट्रेटेजिक सहजता मानव जाति के कल्याण के लिए, वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाली सभी ताकतों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि हम मिलकर पूरे विश्व के सामर्थ्य को बढ़ाने में अवश्य सफल होंगे। Your Excellency, as you said, and I would like to reiterate that in today's rapidly changing global situation, all eyes are on the two largest democracies of the world.
India and America. I believe that our strategic partnership is important for welfare of the humankind, global peace and stability, and for all countries believing in democratic values. And this is important than ever before. I'm confident that working together, we will be successful in enhancing the strengths of the whole world. आज हमारी बातचीत में हम ऐसे ही कई मुद्दों पर बात करेंगे और अपने स्ट्रेटेजिक संबंधों को नए आयाम से जोड़ेंगे। मैं एक बार फिर आपको आपकी मित्रता के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। We will talk about many such issues today. We will add new dimensions to our strategic partnership. I once again express my heartfelt gratitude to you for your friendship. Thank you, Mr. President. Thank you. Thank you.